हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली होते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रीसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड द लास्ट वन चेंज इन टेम्परेचर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, किसी गैस का इवोल्यूशन होता है, या फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कलर चेंज हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें सब्सटेंस के स्टेट बदल जाते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर जो है फॉल और राइज करता है, टेम्परेचर पहले से गिर जाता है या टेम्परेचर पहले से राइज कर जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता हो तो कम से कम एक इनमें से कोई एक जरूर कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करने को मिलता है, या फिर एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। और अगर कोई चेंजेस में इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करता है तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। सो केमिकल रिएक्शन में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई एक भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। सम केमिकल रिएक्शंस आर एकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें गैस का इवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन, या फिर जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो एक गैस रिलीज होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें कौन सा गैस इवॉल्व होता है? हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व होता है। यह एरो ऊपर का साइन बता रहा है, गैस इवॉल्व होने का सिंबल है। और अगर जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करता है तो साल्ट बनता है, जिंक सल्फेट, और फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। सो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, जब जिंक को हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में या फिर किसी भी एसिड में जनरली अगर हम लोग जिंक को डालते हैं तो चूंकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है और एक साल्ट बनता है। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। कुछ दूसरा, कुछ अलग एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कोई और गैस इवॉल्व होता है। जैसे व्हेन वी हीट क्विक लाइम, जब हम लोग क्विक लाइम को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होता है। क्विक लाइम को हीट करते हैं, यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, यहाँ बैलेंसिंग छूटा है, यहाँ क्लोरीन के दो एटम है, यहाँ भी दो हो गए क्लोरीन के, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, इसे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जिंक सल्फेट प्लस H2, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन SO4। ठीक है, ये बैलेंस्ड है, ऊपर वाला को बैलेंस कर लिया। क्विक लाइम को अगर हिट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है।
ठीक है, क्विक लाइम को हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अगर चेक करना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसे स्लैग लाइम से पास करा देते हैं। स्लैग लाइम से पास कराने पे क्या है कि स्लैग लाइम का कलर कलरलेस से मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देन CO2 गैस इज आल्सो इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यहां भी CO2 गैस इवॉल्व होता है। अब इसे बैलेंस कर लें, यहां सोडियम के दो एटम है, यहां टू लगा देते हैं। बैलेंसिंग हम लोग सीखेंगे बच्चों आगे। ये आप ध्यान में रखिए बात कि ऐसे कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें कोई गैस इवॉल्व होता है। तो जिंक का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अगर हम लोग क्विक लाइम को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल टू। तो लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम्स होता है प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। इसमें दो दो गैस रिलीज होते हैं। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। कैसे होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स। जरा ध्यान से देखिए, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें गैसेस रिलीज होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि सम केमिकल रिएक्शंस आर एकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। एक से ज्यादा भी गैस हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा लेड नाइट्रेट को हीट करने पर दो गैस रिलीज होता है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन गैस। चलिए अब सेकेंड नंबर पर चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रीसिपिटेट, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें प्रीसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर एकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रीसिपिटेट। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीसिपिटेट क्या है, तो हमने आपको पहले भी बताया कि प्रीसिपिटेट एक तरह का इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है विच इज फॉर्म्ड व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है, दोनों के दोनों सॉल्यूशन होते हैं, तब जा करके एक क्या तैयार होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड, जिसे हम लोग प्रीसिपिटेट कहते हैं। प्रीसिपिटेट क्या है, प्रीसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल कंपाउंड विच फॉर्म्स व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड एंड दिस इनसॉल्युबल कंपाउंड गेट सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के बॉटम पे बैठ जाता है और ये बिल्कुल भी विदाउट डिजॉल्विंग, ये डिजॉल्व भी नहीं होता है सॉल्यूशन में, ये डिजॉल्व भी नहीं होता है। प्रीसिपिटेट क्या है, प्रीसिपिटेट एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है जो बिना डिजॉल्व किए सॉल्यूशन में जो है बैठ जाता है, और ये तब फॉर्म करता है जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें प्रीसिपिटेट का फॉर्मेशन होता हो, जैसे कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। सो एक्वस लिख देते हैं, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है, द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन है, तो फॉर्मेशन होता है बेरियम
सल्फेट व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ पीपीटी शॉर्टकट में लिखते हैं बच्चों, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है प्लस सोडियम क्लोराइड साल्ट प्राप्त होता है, तो 2NaCl हो गया। दिस इज द व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में कंबाइन करते हैं तो व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब कंबाइन करता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, तो ए व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलोंग विथ सोडियम नाइट्रेट। ए व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलोंग विथ सोडियम नाइट्रेट। When silver nitrate reacts with sodium chloride solution, then a white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate. तो यहां भी आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में एक precipitate बन रहा है। कोई दूसरा रिएक्शन भी देख सकते हैं हम लोग। स्लैग्ड लाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और जब स्लैग्ड लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया जाता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द स्लैग्ड लाइम, देन द कलर ऑफ द स्लैग्ड लाइम व्हिच इज कलरलेस टर्न्स इनटू मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्लैग्ड लाइम से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो स्लैग्ड लाइम का कलर जो है कलरलेस से मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का कलर जो है वो मिल्की हो गया। क्यों मिल्की हो गया? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रिसिपिटेट बनने की वजह से जो है ये स्लैग लाइम का कलर कलरलेस से मिल्की हो जाता है, व्हाइट कलर में टर्न हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों जिसमें प्रिसिपिटेट भी होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज इन कलर। तो यहां भी हम बोल सकते हैं सम केमिकल रिएक्शंस आर एकम्पनीड बाय चेंज इन कलर। कलर चेंज कर जाता है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कलर ही चेंज कर जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि स्लैग्ड लाइम से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया जाता है तो सॉल्यूशन का कलर मिल्की में टर्न हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां भी तो इस रिएक्शन में देखने को मिला बच्चों कि जब स्लैग्ड लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है व्हाइट प्रिसिपिटेट प्लस, यह प्रिसिपिटेट का सिंबल होता है नीचे की तरफ एरो जो होते हैं और ऊपर वाला जो एरो होता है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस का होता है। इज दैट क्लियर? ये प्रिसिपिटेट नीचे बैठ जाते हैं इसलिए इनका एरो नीचे होता है और गैस इवॉल्व करते ऊपर की तरफ इसलिए एरो ऊपर देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि स्लैग्ड लाइम जो कि कलरलेस होता है और कलरलेस से सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? मिल्की कलर में टर्न हो जाता है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच चेंज ऑफ कलर अक्योर्स। ठीक है,
दूसरा देखते हैं, दूसरा रिएक्शन कोई जिसमें चेंज इन कलर होता हो, जैसे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो है वो मिला देते हैं, दोनों एक्वस फॉर्म में होते हैं। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन, जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन से मिक्स कर दिया जाता है, सो ए येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विथ पोटासियम नाइट्रेट KNO3 PbI2 जिसे हम लोग लेड आयोडाइड कहते हैं, ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है, प्लस पोटासियम नाइट्रेट KNO3, इसे बैलेंस कर ले हम लोग, यहाँ टू सो दो पोटासियम के एटम हो गए और NO3 भी टू हो गए, ठीक है, आयोडीन भी टू हो गया, ओके बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। सो क्या देख रहे हैं बच्चों हम लोग, कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं, दोनों के दोनों सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, और जब दोनों कलरलेस सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं केमिकली, तो फिर येलो प्रिसिपिटेट बनता है जिसे हम लोग लेड आयोडाइड कहते हैं, सो देयर इज ऑब्वियस ए चेंज इन कलर इन द रिएक्शन, तो यहां भी चेंज इन कलर हुआ रिएक्शन में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें चेंजेस होते हैं, कलर भी चेंज करता है। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। ये सारे के सारे एग्जांपल आपको याद रखने होंगे कि ऐसे कौन से एग्जांपल है, ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शन है जिसमें चेंज इन कलर होता है, ऐसे कौन से रिएक्शन है जिसमें कोई गैस इवॉल्व होता है, ऐसे कौन से रिएक्शन है जिसमें कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। यू विल हैव टू बी रिमेम्बर्ड फॉर ऑल केसेस, फॉर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये बात आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। चौथा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, चेंज इन स्टेट। सो ऑब्वियस सम केमिकल रिएक्शंस आर ऑल्सो एकॉम्पेनीड विथ चेंज इन स्टेट, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट भी चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वैक्स का जलना, बर्निंग ऑफ वैक्स, इसमें स्टेट जो है वो कैसे चेंज करता है ये देखिए आप। वैक्स कंटेन्स कार्बन, सो जब हम लोग वैक्स को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब हम लोग वैक्स को बर्न करते हैं तो द कार्बन प्रेजेंट इन द वैक्स कंबाइंस विथ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म ए गैस कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ वाटर वेपर्स। जी हाँ, उसमें वाटर अलोंग विथ वाटर वेपर्स भी होते हैं और प्लस हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब कार्बन एयर में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, वाटर वेपर वैक्स के जो होते हैं वो वेपर्स भी बनते हैं, वैक्स के जो है वो यहाँ वेपर्स लिख सकते हैं हम लोग, वेपर्स भी बनते हैं और हीट भी क्रिएट होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसियस फॉर्म होता है, वेपर्स भी ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म, बट वैक्स इज इन सॉलिड फॉर्म, वैक्स सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन बर्न होने के बाद वैक्स का क्या होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ वैक्स वेपर्स।
तो वैक्स वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट ही होते हैं। सो यहाँ पर क्या देखने मिला कि एक सॉलिड सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट कर जाता है, वो चेंज कर जाता है गैसीयस स्टेट में। ऐसे ही अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2+O2, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, बट व्हेन H2 कंबाइंस विथ ऑक्सीजन बोथ आर गैस, बट द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म विच इज वाटर, वाटर विच इज इन लिक्विड स्टेट। वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि गैस गैस कंबाइन किया लेकिन प्रोडक्ट क्या बना? लिक्विड। प्रोडक्ट लिक्विड बना, सो स्टेट तो चेंज होते हैं, इसे बैलेंस कर लिया जाए। ओके, बैलेंस्ड हो गया। सो गैस एंड गैस कंबाइंस टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विच इज ए लिक्विड स्टेट। ओके, सो चेंज इन स्टेट भी होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंजेस टेक प्लेस, टेम्परेचर चेंज करते हैं, या तो टेम्परेचर राइज कर जाता है या टेम्परेचर फॉल कर जाता है पहले से। चेंज इन टेम्परेचर, सम केमिकल रिएक्शंस आर एकम्पनीड बाई चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स बाई आइदर राइज ऑफ टेम्परेचर और फॉल ऑफ टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर पहले से बढ़ जाते हैं या फिर पहले से टेम्परेचर घट जाते हैं। सो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच टेम्परेचर राइजेज, दैट मीन्स कि टेम्परेचर राइजेज मीन्स हीट इज रिलीज्ड। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें टेम्परेचर राइज करता है यानी कि हीट रिलीज होता है। दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसे कहते हैं बच्चों? दोज रिएक्शंस इन विच टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर राइजेस, दैट मीन्स कि दोज सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिलीज हीट। ऐसे केमिकल रिएक्शंस हीट को रिलीज करते हैं, हीट इवॉल्व होता है ऐसे केमिकल रिएक्शंस में। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होता है, और जिस केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो मींस आउट, बाहर निकलना, और थर्मिक मींस टेम्परेचर। सो जिस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बाहर निकलता है दैट मीन्स कि रिलीज होता है, वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और दूसरा ये देखिए एंडोथर्मिक, एंडो मतलब इन, दैट मींस कि एब्जॉर्ब करना, इन इन मतलब अंदर लेना, एब्जॉर्ब करना। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर एकम्पनीड बाय विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर, एंड इन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है ऐसे केमिकल रिएक्शंस में। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें या तो हीट इवॉल्व होता है यानी हीट रिलीज होता है, या फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जिसमें हीट इवॉल्व होता है, जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट इवॉल्व होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। जैसे हमने आपको बताया था एक रिएक्शन, जिंक जब डाइल्यूट HCl से कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन गैस तो बनता है, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होता है,
प्लस जिंक क्लोराइड बनता है। लेकिन इस रिएक्शन में बच्चों अगर हम लोग एपरेटस को बाहर से टच करके देखें तो काफी टेम्परेचर गर्म हो जाता है, एपरेटस गर्म हो जाता है यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है पहले से। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और द रिएक्शन बिटवीन जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज an example of exothermic reaction as heat is evolved in this type of reaction. हीट इवॉल्व होते हैं तो बाहर से apparatus टच करने पे पता चलता है। जब जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में या डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देते हैं, दोनों के बीच रिएक्शन होता है, बबल्स ऑफ गैस निकलते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। लेकिन बाहर से अगर टच करें तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, apparatus गर्म महसूस होता है। सो ये एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं, या यू कहिए आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है? स्लैग लाइन। क्या बनता है बच्चों? स्लैग लाइन बनता है और इस रिएक्शन में रिलीज होता है हीट। हीट रिलीज होता है दोनों में। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो इसमें क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है। काफी सॉल्यूशन बाहर से अगर आप टच करोगे तो बहुत ज्यादा गर्म लगने लगता है। जब हम लोग इसे क्या बोलते हैं, चूने को हम लोग डाल देते हैं पानी में, तो जैसे ही दोनों के बीच कॉम्बिनेशन होता है तो दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इवॉल्व होता है और बनता क्या है? स्लैग लाइम। स्लैग लाइम बनता है और हीट जो है वो रिलीज होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक की बात करेंगे। अगर आप देखें रेस्पिरेशन की बात करें हम लोग, जो रेस्पिरेशन हम लोग ईच टाइम एवरी टाइम करते हैं, तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें हीट इवॉल्व होता है, बट दिस इज द स्लो, वेरी स्लो कंबशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है फिर से एग्जांपल और भी देखेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फिर बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे कि क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ये जानने के बाद फिर से हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे जो आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं, जो कि 5 तरह के होते हैं, आपको याद होगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।